की क्लास थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और उसी में हमारे साथ ने है क्वेश्चन नंबर 10, 15.4, क्वेश्चन नंबर 9 मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस करूँगा मैं, ठीक है। आप ये देखें कि द कर्व सरफेस ऑफ अ होली हॉलो सिलेंडर इज 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हॉलो सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखी है, ठीक है, और ये है आपका हॉलो सिलेंडर, इसकी कर्व सरफेस एरिया दे रखी है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, तो ये आपकी हाइट है, ये हाइट है, तो इस हाइट से जब इसको कट किया जाता है, ठीक है, दिस इज हाइट, यहाँ पे लिखना बेटर होगा, ठीक है, ये हाइट है, इसके हाइट से जब इसको कट किया जाएगा तो इसका जो ये गोल वाला पोर्शन है, यही गोल वाला पोर्शन उसका ब्रेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सर्कमफेरेंस तो है ही। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया अपॉन विथ, यानी कि सर्कमफेरेंस करके हम सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, सी एस ए कितनी दे रखी है, 4375, और इसका जो सी है यानी सर्कमफेरेंस है वो कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है 35, जो बाद में रेक्टेंगुलर शीट की चौड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, देखिए आप, हाइट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, यू नो दैट, और इसका फॉर्मूला होता है 2πR, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से अगर ये कैंसिल होगा तो हाइट आपको फाइंड आउट होगी। तो वैल्यूज कैसे निकालें, देखिए 4375 अपॉन 35, अगर हम इसको कट कर लें तो वी गॉट 125 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो जो ये आपको हाइट मिलेगी ना, ये हाइट उस शीट का क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ब्रेथ, ठीक है, विड्थ है 35 और लेंथ कितनी हो गई 125। तो आइए पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ऑफ रेक्टेंगुलर शीट टू 125 प्लस 35, ओके, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 160, ठीक है, इंटू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 डन, सो यू कैन मेक अ नोट। सो क्लास सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन है, अ रोड रोलर हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। मतलब रोड रोलर का जो आपका वो है, व्हील है ना, उसका जो डायमीटर है वो 0.7 मीटर का है और उसके विड्थ है 1.2 मीटर की, ठीक है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट टेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर इनटू 44 मीटर। तो अगर इस डायमेंशन की कोई प्लेग्राउंड है और उसको हमें लेवल करना है, ठीक है, तो हमें रोड रोलर को तो चलाना पड़ेगा। तो रोड रोलर कितने रेवोल्यूशंस लेता है उसको प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे रोड रोलर का। तो सी एस ए इज इक्वल्स टू, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो, 2πRH, फॉर्मूला वर्क करेगा 2πRH, तो इसको आप लिख लो 22 into 22/7 into R की जगह पे यू कैन पुट 0.7 by 2 और into H की जगह पे आप क्या पुट अप करोगे, 1.2 मीटर की, ठीक है, 1.2 मीटर की आप H की जगह पे पुट करोगे, ठीक है। मतलब आप ध्यान दे रहे हो ना, H यहाँ पे किस बात के लिए कह रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि रोड रोलर का ये व्हील है, ठीक है, ये रोड रोलर की व्हील ऐसे ही होती है, तो दिस इज इसकी, इसी को इसी विड्थ बोल रहा है, ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये टोटल डायमीटर है 0.7 मीटर का, ठीक है। सो अब हम इसे पुटअप करेंगे, तो वैल्यूज को अगर हम कट कर लें तो यहाँ से देखें, ये 0.1 टाइम्स में कट गया, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, 12 into 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 264 आएगा 264, डेसिमल को पुटअप कर लेंगे, 2 प्लेस डेसिमल वर्क करेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो अब क्या करें, तो अब ये एरिया निकालेंगे हम, ये एरिया, क्योंकि इसी एरिया पे तो चलना है रोड रोलर को, दिस एरिया डिवाइडेड बाई दिस एरिया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस
इज इक्वल्स टू, बड़े आराम से सॉल्व होगा ये, 120 मीटर इंटू 44 मीटर अपॉन 2.64 मीटर स्क्वायर, लेकिन मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, और यू कैन पुट इट डाउन लाइक दिस, 120 इंटू 44 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 264, ठीक है, 264. तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर हम 22 से इसे कट करें तो ये 12 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है. फिर आप इसे 2 को आप इसे 6 टाइम्स में कट कर सकते हैं, फिर 6 से आप इसे कितने टाइम्स में कट कर सकते हैं, बड़े आराम से 20 टाइम्स में. तो 20 इंटू 100, 2000 रेवोल्यूशन इज द आंसर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 डन, सो यू कैन मेक अ नोट. लुक एट दिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. आपको ये ध्यान देना है कि मैं सिर्फ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को टच कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान दें इस पर. द सम ऑफ अ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 मीटर, यानी आप देखें आर प्लस एच इज गिवन 37 सेंटीमीटर है, ठीक है, और टी एस से भी दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है, और वो है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. तो अब हमारे सामने जो टी एस ए का फॉर्मूला होता है, टी एस ए इज इक्वल्स टू 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है. तो बड़े आराम से आप देखिए कि आपके पास 2πr की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन r प्लस h की वैल्यू गिवन है और टी एस ए की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यूज को पुट अप करो. 61628 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r ब्रैकेट में r प्लस h की जगह पे 37 पुट अप करेंगे, ठीक है. अब यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे, 1628 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 37, ठीक है. बड़े आराम से ये सॉल्व होने जा रहा है, आप देखें. तो अब क्या क्या चीजें कहां कहां से कैंसिल होनी है ये आप देखें. तो देखते हैं, पहले इसे हम 2 से कट आउट कर लें, 2 से कट करें, तो 2 से कट करने पे ये क्या हो जाना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 8, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 8 16, और ये हो गया 0, ठीक है, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 इंटू 7, और नीचे वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 37 है, ठीक है. अब क्या करें, अब हम 22 से इसको 2 से कट करते हैं, अगेन 2 से इसे हम कट करते हैं, ये और ये, ठीक है, या फिर 11 से कट होगा या नहीं होगा, 11 से देख लो, 11 7, हाँ 11 से कट होगा, 11 2 जा और 7 और 4, 74, 74 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 37, तो देखें 2 इंटू 37 से 74 कट गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर. ये बहुत ईजी था रेडियस निकालना, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है. तो चलिए, तो h की वैल्यू हो जाएगी 37 माइनस 7 यानी कि सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर, ये आपकी h की वैल्यू हो गई, ओके. अब वॉल्यूम निकालनी है, तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अप इंटू 30, ठीक है. अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है. तो अब कितना आ रहा है आंसर, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट, एंड दिस इज द आंसर. करके देख लीजिए, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, 7 3 21 इंटू 22 कर दो, 21 इंटू 22 क्या आएगा, 2 एंड 2 2 जा 4, एंड 2 से फिर 2 एंड 2 2 जा 4, एंड दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 4, यानी कि आंसर इज 4620, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 डन, यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट. क्लास लुक एट दिस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, और इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का मैं ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो अब आप देखें, इस तरीके से आपका 15.4 इस क्वेश्चन के साथ फिनिश हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपको खुद सॉल्व करना होगा, आप ट्राई करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो यू कैन वॉच माई PDF, PDF में मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. इसके बाद भी आपको कोई डाउट होती है
तो यू कैन आस्क, ठीक है, ओके। सो आप देख ही रहे हैं कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं, मुझे एक चेयर सामने भी लगा के करना पड़ रहा है काम। सो सर चेक करते हैं क्या है क्वेश्चंस में। द रेशियो ऑफ सी एस ए एंड टी एस ए ऑफ अ सिलेंडर इज, सी एस ए और टी एस ए के बीच का जो रेशियो है वो है 1/2, ठीक है। और इस तरीके से हम वी कैन पुट 2πRh फॉर्मूला पुट अप कर दें एंड 2πR और ब्रैकेट में R प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। 2πR कैंसिल आउट, तो यू कैन राइट H अपॉन R प्लस एच इज इक्वल्स टू वट 1/2। तो अब आप देखें ध्यान से, अगर आपको एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से यहां से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर प्लस एच और इधर 2H। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एच और आर के बीच में आप रेशियो बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 2H इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, ठीक है। तो अब एच को उस साइड ले जाए, यानी कि एच इज इक्वल्स टू आर, यानी एच और आर जो है वो सेम है, एच और आर जो है वो है सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करें, लेकिन उससे पहले हमें एच या आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाई दिस। सो टी एस ए इज इक्वल्स टू 616, तो आप क्या करेंगे, 2πR और R प्लस एच लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे 616। फिर आप क्या करेंगे, R की जगह पे या H की जगह पे R पुट अप कर दें, तो ये हो जाएगा आपका, कोई भी एक पुट अप कर दें, R प्लस R इज इक्वल्स टू 616। तो यू कैन राइट दिस लाइक, ये हो जाएगा 2R एंड ये हो जाएगा आपका 4πR² इज इक्वल्स टू 616। 4πR² इज इक्वल्स टू 616। तो अब R की वैल्यू निकालें, R² इज इक्वल्स टू 616, ठीक है, इंटू 7/4×22। तो अब 4 से कट कर लें, ठीक है, हम 4 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 154, ठीक है, 154, ठीक है, इंटू 7/22 से अगर हम इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 7 जो होता है 49। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, रेडियस हमारा 7 हो गया, तो H क्या हो जाएगा, 7, H भी 7 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 × 7 × 7 × 7, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सबकी वैल्यू तो सेम ही है, तो सब 7 7 7 है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 22 into 49, तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू कैसे निकलेगी देख ले, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं, इंटू 22, 2 9 18, ठीक है, 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 19, ठीक है, फिर 8 and 9, ठीक है, 8 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 1078 is the answer. 1078 centimeter cube is the answer of 15th. So इसी तरीके से आपका question number 15 done हुआ, और ये एक अच्छा सा question है. ML अग्रवाल में mostly questions अच्छे ही हैं, ठीक है? Okay class, तो मिलते हैं. Thank you so much.